हेलो स्टूडेंट्स, आरजी स्टूडियो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल है, मैं एक टीचर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि वन दरोगा, बीएससी, बीटेक, एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, एसएससी, रेलवे, आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें कि एग्रीकल्चर साइंस कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जा रहे हैं एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित। पहला प्रश्न है, उत्पादन की लागत को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है। ये एग्रीकल्चर साइंस में क्वेश्चन है जो कि एग्रीकल्चर साइंस के इकोनॉमिक्स के बेस पे क्वेश्चन है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र के बेस पे ये क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, उत्पादन की लागत को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है निम्न लागत संयोग का सिद्धांत। निम्न लागत संयोग का सिद्धांत का उपयोग करके उत्पादन की लागत को न्यूनतम किया जा सकता है। उत्पादन की लागत को जो अर्थशास्त्र के जिस सिद्धांत के द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है वो होता है निम्न लागत संयोग का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत नियम लगाया जाता है जब। सही उत्तर है साधन सीमित हो। समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत नियम लगाया जाता है जब साधन सीमित हो। समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाते हैं जब साधन सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और परिवर्तनीय लागत में वृद्धि होती है। सही उत्तर है हाँ, अगर निर्गत की बढ़ोतरी होगी तो कुल लागत और परिवर्तनीय लागत में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जब फसल की नई प्रजाति की संतुति की जाती है। सही उत्तर है पूर्ण बजट बनाना चाहिए। जब फसल की नई प्रजाति की संतुति की जाती है तो पूर्ण बजट बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, संचालन कार्य का वार्षिकी तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर है मनुष्य तथा बैलों के परिश्रम की आवश्यकता आंकना। संचालन कार्य का वार्षिकी तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य मनुष्य तथा बैलों के परिश्रम की आवश्यकता को आंकना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों की तथा कार्य क्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करती है। सही उत्तर है सत्य। फार्म योजना जो होती है यह उत्पादन के विभिन्न कारकों की तथा कार्य क्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करती है, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फार्म आय व्यय का वह पत्र है जिसे फार्म प्रबंध के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। सही उत्तर है यह कथन सत्य है। फार्म आय व्यय का वह पत्र है जिसे फार्म प्रबंध के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है, यह कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिश्रित खेती उसे कहते हैं जिसमें। सही उत्तर है सस्य उत्पादन और पशुधन उधम साथ साथ होते हैं और दोनों से संपूर्ण आय 50-50% प्राप्त होता है। मिश्रित खेती उसे कहते हैं जिसमें सस्य उत्पादन और पशुधन उधम साथ साथ होते हैं और दोनों से संपूर्ण आय 50-50% प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं। सही उत्तर है राजकीय खेती। फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे राजकीय खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके पहले मूल्य को जिसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उसे। सही उत्तर है पूर्ण मूल्यांकन विधि कहते हैं। जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके पहले मूल्य को जिसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उसे पुनर्मूल्यांकन विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, dx1/dx2 = px1/px2 तब। सही उत्तर है कुछ नहीं किया जा सकता है। जब dx1/dx2 = px1/px2 तब इसका जो ऑप्शन दे रखे हैं ए, x1 और x2 का कोई भी संयोजन लिया जा सकता है। ऑप्शन बी, कुछ नहीं किया जा सकता है।
ऑप्शन सी केवल H2 का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन डी H2 का स्थानांतरिकरण X1 द्वारा किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन बी है, कुछ नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में किन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। सही उत्तर है तिलहन, फल, सब्जी तथा दलहनी फसलों का। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में तिलहन, फल, सब्जी तथा दलहनी फसलों का उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्पादन का स्तर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्पादन का स्तर मिलता है। सही उत्तर है सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में, उत्पादन का स्तर सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में मिलता है। उत्पादन का जो स्तर मिलता है वो सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रमागत हॉर्स उत्पादन नियम के प्रयोग से लाभ अधिकतम होगा जब। सही उत्तर है सीमांत लागत सीमांत उत्पादन के बराबर होगी। क्रमागत हॉर्स उत्पादन नियम के प्रयोग से लाभ अधिकतम होगा जब सीमांत लागत सीमांत उत्पादन के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृदा उर्वरता का हॉर्स होता है। सही उत्तर है लगातार फसलों के उगाने से, मृदा उर्वरता का हॉर्स लगातार फसलों के उगाने से होता है। मृदा उर्वरता का जो हार्स होता है वो लगातार फसलों के उगाने से होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन। सही उत्तर है घटती हुई दर से बढ़ेगा। जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब जो कुल उत्पादन होगा वो घटती हुई दर से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं साहस, संगठन, भूमि, समय। सही उत्तर है समय। समय जो है ये उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं है। साहस, संगठन, भूमि और समय में से समय उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जब सीमांत उत्पादन लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से। सही उत्तर है लाभ होगा। जब सीमांत उत्पादन लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने से लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब। सही उत्तर है कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। जब सीमांत उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिकतम लाभ होता है जब। सही उत्तर है सीमांत लागत सीमांत आय से कम होती है। अधिकतम लाभ तब होता है जब सीमांत लागत सीमांत आय से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सबसे कम लागत पर निवेशों की मात्रा प्राप्त की जाती है जब। सबसे कम लागत पर निवेशों की मात्रा प्राप्त की जाती है जब। ऑप्शन ऑप्शन ए DX2 अपॉन DX2 ग्रेटर देन PX1 अपॉन PX2। ऑप्शन बी DX2 अपॉन DX1 इज लेस देन PX1 अपॉन PX2। ऑप्शन सी DX2 अपॉन DX1 इज लेस देन PX1 अपॉन PX2। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी DX2 अपॉन DX1 इज लेस देन PX1 अपॉन PX2। सबसे कम लागत पर निवेशों की मात्रा प्राप्त की जाती है जब। सही उत्तर है DX1 अपॉन DX2 अपॉन DX1 इज लेस देन PX1 अपॉन PX2। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपनाने की प्रक्रिया के निम्न चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी परीक्षण, ऑप्शन डी जानकारी। सही उत्तर है डी ए सी बी। अपनाने की प्रक्रिया के जो चरण होते हैं उसमें सबसे पहले होता है जानकारी, इसके बाद रुचि, इसके बाद परीक्षण और इसके बाद मूल्यांकन। जानकारी, रुचि, परीक्षण और मूल्यांकन अपनाने की प रक्रिया के चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। सही उत्तर है अधिक तकनीकी सहायता से। टिकाऊ कृषि अधिक तकनीकी सहायता से प्राप्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी खेती प्रणाली नहीं है। ऑप्शन ए राजकीय खेती, ऑप्शन बी सामूहिक खेती, ऑप्शन सी सहकारी खेती, ऑप्शन डी शुष्क खेती। सही उत्तर है शुष्क खेती। शुष्क खेती जो है ये खेती प्रणाली नहीं है। शुष्क खेती खेती प्रणाली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, खाद्य पदार्थ की पूर्ति की कीमत लोच सामान्यता होती है। सही उत्तर है शून्य। खाद्य पदार्थ की पूर्ति की कीमत लोच सामान्यता शून्य होती है। खाद्य पदार्थ की पूर्ति की कीमत जो लोच सामान्यता होती है वो शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विशिष्ट खेती स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एक उदाहरण है। सही उत्तर है खेती की पद्धति का। विशिष्ट खेती स्पेशलाइज्ड फार्मिंग खेती की पद्धति का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सम लागत रेखा का ढाल दर्शाता है।
सही उत्तर है लागत मूल्यों का अनुपात। सम लागत रेखा का ढाल लागत मूल्यों का अनुपात दर्शाता है। सम लागत रेखा का ढाल जो दर्शाता है वो होता है लागत मूल्यों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 28 है सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत सही उत्तर है अधिकतम हो। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है सही उत्तर है आगत आगत संबंध की। सम सीमांत का प्रतिफल सिद्धांत आगत आगत संबंध की व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 30 है असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है सिवाय सही उत्तर है उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर। असमान प्रतिफल के नियमों को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है सिवाय सही उत्तर है उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर। उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है। तो असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है। इसके लिए जो ऑप्शन है ये है व्यवस्थित अर्थव्यवस्था के समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन में लगे हुए श्रम में बढ़ोतरी करके, और जो इसका जो सिवाय है वो है उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर। तो असमान प्रतिफल के नियम को लागू होने से नहीं रोका जा सकता है सिवाय अगर उत्पादन के साधनों में भिन्नता रखकर भिन्नता करेंगे तो सीमांत प्रतिफल के नियम को लागू होने से रोक सकते हैं, और अगर नहीं रोकना है तो व्यवस्थित अर्थव्यवस्था के समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन में लगे हुए श्रम में बढ़ोतरी करके इसको नहीं रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कृषि प्रकार आधारित है सही उत्तर है सम सीमांत आय के सिद्धांत पर। कृषि प्रकार सम सीमांत आय के सिद्धांत पर आधारित है। कृषि प्रकार जो होता है ये सम सीमांत आय के सिद्धांत पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है पशुओं का बीमा सम्मिलित किया जाता है सही उत्तर है नियत लागत में। पशुओं का बीमा नियत लागत में सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्पादन एक फलन है सही उत्तर है साधन का। उत्पादन साधन का एक फलन है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्न में कौन सी खेती प्रणाली में नहीं आती। ऑप्शन ए पूंजीवादी खेती, ऑप्शन बी सहकारी खेती, ऑप्शन सी विविध खेती, ऑप्शन डी सामूहिक खेती। सही उत्तर है विविध खेती। विविध खेती जो होती है ये खेती प्रणाली में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रक्षेत्र प्रबंध एक विज्ञान है सही उत्तर है अंतरा प्रक्षेत्र विज्ञान। प्रक्षेत्र प्रबंध एक अंतरा प्रक्षेत्र विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 36 है मांग का नियम बताता है सही उत्तर है मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है। मांग का नियम बताता है कि मूल्य के कम होने से मांग बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 37 है मूल्य सिद्धांत का एक दूसरा नाम है सही उत्तर है व्यष्टि अर्थशास्त्र। मूल्य सिद्धांत का एक दूसरा नाम व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र मूल्य सिद्धांत का एक दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 38 है बाजार का नियंत्रण किया जाता है सही उत्तर है विपणन विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा बाजार का नियंत्रण किया जाता है। विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय बाजार का नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में कौन खेती की सफलता का मापक नहीं है। ऑप्शन ए शुद्ध आय, ऑप्शन बी पारिवारिक श्रम आय, ऑप्शन सी पूंजी पर प्रतिशत प्रतिफल, ऑप्शन डी पूंजी पर मूल्य द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन डी पूंजी पर मूल्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में कौन खेती की सफलता का मापक नहीं है। पूंजी पर मूल्य द्वारा, पूंजी पर मूल्य द्वारा खेती की सफलता का मापक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में कौन सा फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है। ऑप्शन ए फार्म नियोजन, ऑप्शन बी फार्म आय व्ययीकरण, ऑप्शन सी उत्पादन एवं लागत फलन, ऑप्शन डी फार्म बही अभिलेख। सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्पादन एवं लागत फलन। उत्पादन एवं लागत फलन फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है। उत्पादन एवं लागत फलन जो है ये फार्म प्रबंध विश्लेषण का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है पूर्णता लोचदार मांग दर्शाई जाती है सही उत्तर है बाएं से दाएं वक्र के झुकाव द्वारा। पूर्णता लोचदार मांग बाएं से दाएं वक्र के झुकाव द्वारा दर्शाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 है परिवर्तनीय अनुपात का नियम तभी लागू होता है जब सही उत्तर है सभी नियत साधन हो। परिवर्तनीय अनुपात का नियम तभी लागू होता है जब सभी नियत साधन हो। क्वेश्चन नंबर 43 है आंतरिक मितव्ययता संबंधित है सही उत्तर है विशिष्टीकरण से। आंतरिक मितव्ययता विशिष्टीकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है आगत निर्गत उत्पाद संबंध को कहते हैं सही उत्तर है उत्पादन फलन।
आगत निर्गत उत्पाद संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। आगत निर्गत उत्पाद जो संबंध होता है वो उत्पादन फलन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया। सही उत्तर है 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऊपरी लागत का दूसरा नाम है। सही उत्तर है कुल लागत। ऊपरी लागत का दूसरा नाम कुल लागत है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी वस्तु का ऊर्ध्वाकार मांग वक्र दर्शाता है कि मांग। सही उत्तर है पूर्णता बेलोचदार है। किसी वस्तु का ऊर्ध्वाकार मांग वक्र दर्शाता है कि मांग। सही उत्तर है पूर्णता बेलोचदार है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ऐसा बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो कहलाता है। सही उत्तर है एकाधिकार बाजार। ऐसा बाजार जिसमें किसी एक वस्तु का एक ही विक्रेता हो वह एकाधिकार बाजार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में 14 मुख्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया सन। सही उत्तर है 1969 में। भारत में 14 मुख्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सन 1969 में किया गया। सन 1969 में भारत में 14 मुख्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, पूरक व्यापार की संतुति की जाती है जब। सही उत्तर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू जीरो हो। पूरक बाजार की संतुति की जाती है, पूरक बाजार की संतुति तब की जाती है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू जीरो होता है। इस वीडियो में कृषि विज्ञान से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए हैं जो कैंडिडेट्स विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बंदरों का रेशम विभाग, पशुधन प्रसार अधिकारी, बीएससी बीटेक एग्रीकल्चर, आईसीएआर, ग्राम विकास अधिकारी, रेलवे, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, ग्रुप सी, ग्रुप डी आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।